मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे मोरल्स। मोरल्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। सो टेक आउट योर मोरल्स बुक एंड चैप्टर नंबर 5। ये आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नेम द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची कुत्ता। डॉग मीन्स कुत्ता। द ग्रीड लाल एक लालची कुत्ता। रीडिंग करेंगे। वंस अपॉन अ टाइमिंग अ लिटिल पपी वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक बार एक छोटा कुत्ते का पिल्ला फॉरेस्ट मीन्स जंगल में से गुजर रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड अ बिग जूसी पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसके पास मीट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। ऑन हिज वे ही मेट अ टिनी माउस। रास्ते में, वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। रास्ते में उसको एक छोटा चूहा मिलता है। डैट्स अ लवली बिग पीस ऑफ मीट यू हैव। और वो उससे बोलता है कि आपके पास तो कितना बड़ा मीट का पीस है। सेड द टिनी माउस। किसने कहा? माउस ने कहा। चूहे ने किससे कहा? पपी से कहा। मे आई हैव जस्ट अ लिटिल पीस। क्या तुम मुझे एक छोटा टुकड़ा दे सकते हो उसमें से? द पपी लुक्ड एट द माउस एंड शुक हिज हैड टू से नो एंड ट्रॉटेड ऑफ। पपी माउस को देखता है और अपनी गर्दन को हिलाते हुए उसको मीट का टुकड़ा देने के लिए मना कर देता और वहाँ से उसको अपमानित, ट्रॉटेड मीन्स अपमानित करते हुए वहाँ से चला जाता है। आफ्टर अ वाइल ही मेट अ फॉक्स। कुछ देर बाद उसको वहीं एक फॉक्स मिलता है। कुड आई ट्राई जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ योर मीट। क्या मैं तुम्हारे मीट के पीस में से थोड़ा सा टुकड़ा टेस्ट कर सकता हूँ? आस्क्ड द फॉक्स। कौन पूछता है पपी से? फॉक्स यानी लोमड़ी पूछती है। अगेन द पपी सुक हिज हेड टू से नो एंड ग्रोलेड एट द फॉक्स। फिर से पपी अपनी गर्दन को हिलाता है और मना कर देता है और वहाँ से भन बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है फॉक्स के सामने, लोमड़ी के सामने। पेज को टर्न करेंगे। द पपी क्राइड ऑन अलोन द पाथ। द पपी कैरिड ऑन अलोन द पाथ। और पपी रास्ते में, पाथ मीन्स भी रास्ता, रास्ते में अकेला जाता है। ही सुक हिज हेड एंग्रेली व्हेन द टाइगर एंड द लायन आस्क्ड द सेम थिंग। टाइगर एंड लॉयन, जब उससे वही बात जो माउस और फॉक्स ने पूछी थी उससे पूछते हैं तो वह फिर गुस्से से अपना सर हिलाता है और उनको मीट के टुकड़े देने के लिए मना कर देता है। ही सुक हिज हेड एंड स्काउलेड एट देम। और उनको भी अपमानित करके वहाँ से चला जाता है। आफ्टर अ वाइल द पपी केम टू अ रिवर वेयर ही हैड सेट डाउन टू रेस्ट। जबकि वह कुछ देर बाद पपी केम टू अ रिवर, रिवर के पास आकर बैठता है। सेट मीन्स बैठता है, नीचे बैठता है। किसके लिए? आराम के लिए। ही लुक्ड इन टू द रिवर एंड शाव। वह नदी में देखता है और टू हिज सरप्राइज एनदर पप्पी। उसको नदी में अपनी परछाई दिखती है तो उसको ऐसा लगता है कि सामने एक और पप्पी है मेरे जैसा। कैरिंग वॉट लुक्ड लाइक अ बिगर पीस ऑफ मीट। उसने उसको नदी में जब अपनी परछाई दिखता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला पप्पी है उसके पास उससे ज़्यादा बड़ा मीट का पीस है। स्ट्रेंथ अवे द पप्पी थॉट टू हिमसेल्फ। वह सोचता है आई थिंक इल हैव डैट बिगर पीस ऑफ मीट इंस्टीड। वह सोचता है कि उसके पास, उस नदी वाले पप्पी के पास मेरे से ज़्यादा बड़ा मीट का पीस है। ही ओपेंड हिज माउथ बाइड टू ग्रैब। और वह द लार्जर पीस ऑफ मीट एंड हिज पीस ड्रॉप्ड इनटू द वाटर। और वह
बड़े वाले अपनी परछाई के परछाई वाले बड़े मीट के पीस को देखने के लिए ग्रैब मींस लपकता है, अपने मुंह को ओपन करता है और लपकते हुए मीट के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, और जिससे उसके मुंह में जो मीट का पीस था वो कहाँ चला जाता है, ड्रॉप्ड गिर जाता है। कहाँ पे गिर जाता है, वाटर यानी नदी में गिर जाता है। ही वॉच इट फ्लॉट अवे डाउन द रिवर, और वह नदी में देखता है कि उसका मीट का पीस पानी पे फ्लॉट मींस तैर रहा है, नदी में तैर रहा है। ही लुक्ड फॉर द बिगर पीस ऑफ मीट डेट ही हैड सीन इन द वॉटर बट ही हैड गॉन, और वह जब नदी में देखता है कि बिगर पीस मीट ऑफ डेट इज सीन, वह के जो मीट का पीस था बड़ा वाला जो उसे अपनी परछाई में दिख रहा था वो वहाँ से गायब कर हो जाता है, और जो उसका पीस था वो भी गायब हो जाता है। बट ही इट हैड गॉन ऑफ, ऑफकोर्स वॉट ही हैड रियली सीन इन द वॉटर वॉज हिज रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसको रियलाइज़ होता है कि उसने जो नदी में पपी देखा था, दूसरा मीट का पीस देखा था बड़ा वाला, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी परछाई थी। नाउ द पपी वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। ही कॉल्ड आउट द माउस फॉक्स टाइगर एंड लॉयन प्लीज हेल्प मी गेट माई मीट बैक, ही बिगेड ही कॉल्ड, उसने सबको बुलाया, किसको, चूहे को, माउस चूहे को, फॉक्स लोमड़ी को, टाइगर एंड लॉयन वाघ और शेर को, प्लीज़ हेल्प मी, किसके लिए, अपनी मदद के लिए, और मदद के लिए उसने कि मुझे अपना मीट का टुकड़ा, मेरी मीट का टुकड़ा मुझे वापस लाने के लिए मेरी मदद करो, उसने उनसे याचना मांगी। नाउ वी नो वी वॉन्ट दे शाउटेड, वह बहुत चिल्लाया। द लिटिल पप्पी सैट डाउन एंड क्राइड, उसकी मदद किसी ने भी नहीं की क्योंकि उसने उन लोगों के साथ गलत किया था, और उसने लालच की, उसने ये नहीं, लालच में उसको ये समझ में नहीं आया कि वो नदी में अपनी ही परछाई देख रहा है। द लिटिल पप्पी सैट डाउन एंड क्राइड, लिटिल पप्पी छोटा पप्पी बैठ जाता है नदी के किनारे एंड रोने लगता है। द अदर एनिमल रियलाइज दे हैड बीन अनकाइंड एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम, जो अदर एनिमल्स थे उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है और उनको लगता है कि उन्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन पपी की भी गलती है, उसको लालच नहीं करनी चाहिए थी, उसको जो था उसके पास उसको वो खाना चाहिए था, और उसने अपने जो उसके फॉरेस्ट में जंगल में दोस्त थे उनके साथ भी उसने गलत किया था, अगर उसको नहीं देना था तो वो नहीं देता, लेकिन उसने उनको अपमानित किया था, है ना, इसलिए उसको अपने खाने पे घमंड था कि मेरे पास इतना बड़ा मीट का पीस है तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द दीज क्वेश्चंस एक्सरसाइज। ओके, हाउ डू यू नो द पपी वाज ग्रीडी, आपको कैसे पता है कि पपी लालची था। आंसर क्या होगा, द पपी वॉज ग्रीडी बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट अ बिग पीस ऑफ मीट, वो लालची इसलिए था क्योंकि वह मीट का बड़ा पीस खाना चाहता था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द पपी सुक हिज हेड, पपी ने अपना हेड क्यों हिलाया, सुक मीन्स हिलाया। द पपी सुक हिज हेड बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हिज मीट पीस एनी वन, वह अपना सर इसलिए हिला रहा था क्योंकि वह अपने मीट का पीस किसी को भी नहीं देना चाहता था। डू यू थिंक द अदर एनिमल्स वेयर काइंड टू द पपी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यस, क्या अदर एनिमल्स को पपी के ऊपर दया आई थी स्टोरी के लास्ट में, यस, बिकॉज द अदर एनिमल रियलाइज्ड दे हैड बीन अनकाइंड एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम, यस, उनको दया आई क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने लिटिल पपी के साथ गलत किया है, अनकाइंड मीन्स निर्दयी व्यवहार किया है, काइंड मीन्स दयालु, दयालु का उल्टा क्या होगा, निर्दयी व्यवहार किया है, और उन्होंने लगा कि हमें इससे सॉरी बोलनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन आंसर समझ में आए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ लिटिल पपी वॉज वॉकिंग थ्रू द, लिटिल पपी कहाँ से जा रहा था, कहाँ चल रहा था, फॉरेस्ट स्ट्रीट गार्डन,
फॉरेस्ट में, तो यहाँ पे क्या फिल बनेंगे, फॉरेस्ट. ही मेट अ टिनी आंट माउस बग. सबसे पहले वो किससे मिला था, आंट से, माउस से या बग से, माउस से ना. ही सुक हिज हेड हैप्पीली क्राउडली एंग्रीली. वह अपना सर कैसे हिला रहा था, गुस्से में हिला रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंग्रीली. हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे. आज की डेट फिल करेंगे, कितनी है आज, 15 मंथ 1 ईयर 2022. ओके, सब्जेक्ट मोरल, लेसन 5, लेसन नेम द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता. हार्ड वर्ड इन हिंदी, ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची. फॉरेस्ट जंगल, हैप्पी खुश, पीस टुकड़ा, सुख हिलाया, ट्रॉटेड अपमानित, वाइल जबकि, ग्राउलेड भनभनाना, पाथ रास्ता, एंग्रेली गुस्से में, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब परछाई. ओके, हम कांच में अपनी शक्ल देखते हैं तो दिखता है ना, वैसे फेस देखते हैं तो. फ्लॉट पानी पर तैरना, ग्रैब लपकना, लार्जर बड़ा. एक बार और समझेंगे क्वेश्चन आंसर को, ये आपको अपनी नोट डाउन में, नोटबुक में करना है. ओके, सॉरी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डू यू नो द पप्पी वॉज ग्रीडी. आपको कैसे पता कि पप्पी लालची था. द पप्पी वॉज ग्रीडी बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट अ बिग पीस ऑफ मीट. पप्पी लालची था क्योंकि वह मीट का बड़ा टुकड़ा खाना चाहता था. Why did the puppy shook his head? पप्पी अपना सर क्यों हिला रहा था. The puppy shook his head because he did not want to give his meat piece anyone. वह अपना सिर इसलिए हिला रहा था क्योंकि वह अपने मीट का टुकड़ा किसी को भी देना नहीं चाहता था. Do you think the other animal were kind to the puppy at the end of story? Yes. कहानी के लास्ट में सारे एनिमल्स, जो और अन्य एनिमल्स थे, अदर मीन्स अन्य एनिमल्स थे, उनको पप्पी के साथ पप्पी पर दया आई. यस, आ गई थी. बिकॉज क्योंकि द अदर एनिमल, अन्य जानवर, रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ, दे हैड बीन, उन्होंने अनकाइंड एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम. उनको एहसास हुआ कि उन्होंने पप्पी के साथ गलत किया है और उन्हें सॉरी फील हुआ, उनकी गलती फील हुई, उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अ लिटिल पप्पी वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. लिटिल पप्पी कहाँ से चल रहा, कहाँ पर चल रहा था, फॉरेस्ट में. ही मेट अ टिनी माउस. किससे मिला, आंट या माउस से, माउस से मिला, तो यहाँ पे क्या फील करेंगे, माउस. ही शुक हिज हेड हैप्पीली या एंग्रीली. वह अपना सर कैसे ला रहा था, हैप्पीली, हैप्पीली में से खुशी से या एंग्रीली से, एंग्रीली. ओके, आपका चैप्टर फिनिश हुआ. ओके, आज के लिए बुक वाला वर्क आप बुक में करोगे, नोटबुक वाला वर्क आप नोटबुक में करोगे. ओके ओके चिल्ड्रन.